तो घोड़ों की कीमत तो ऐसा है, छोटे बच्चों की 10,000 से स्टार्ट हो जाती है। और हमारे लोगों ने घोड़ों पे इतना ज़्यादा काम किया है कि अभी जो उनकी कीमतें हैं कि वो करोड़ों को छू रही है। पहले घोड़े सबके पास हुआ करते थे और गाड़ियां सिर्फ अमीरों के पास। आजकल गाड़ियां सबके पास है पर घोड़े सिर्फ अमीरों के पास। वेलकम टू जिंदर सिंह चैनल दोस्तों। दोस्तों आज हम आए हुए अमृतसर की मार्केट में, बैसाखी के टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट लगती है हॉर्सेस की। तो हमारे साथ अभी जो है सर आए हैं, तो सर से थोड़ी बहुत बात करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से अपने हॉर्सेज लाते हैं, क्या प्राइसेस होता है और क्या बेनिफिट्स होते हैं हॉर्सेज लेने के। सर थोड़ा सा आप शेयर करेंगे हमारे साथ। हाँ जी, मेरा नाम सुखजिंदर सिंह है, मैं श्री मुक्तसर साहब से बिलोंग करता हूँ। ठीक है सर। और 2008 में से मैं इस मार्केट में हूँ, तो उतने टाइम में सेल और परचेज़ का भी काम कर रहे हैं और साथ में ब्रीडिंग का भी काम कर रहे हैं। ठीक है सर। तो अच्छा शौक़ है घोड़ों का जी। बहुत अच्छा है। जितना भी आज के टाइम पे जो नई जनरेशन है, जो एक्चुअली इनकम सभी लोगों की बहुत कम हो चुकी है जी सर, तो कहीं से कोई पैसा आना भी चाहिए लगाने को। तो सभी ने बड़े बड़े शौक पाल रखे हैं जी जी जी, लेकिन पैसा किसी के पास नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो अच्छे हॉर्सेस हैं वो ज़रूर पालने चाहिए। उससे क्या है कि अच्छा बेनिफिट भी आता है, साथ में शौक भी पूरे होते हैं और पैसा भी आता है जी सर। मेरे एक्चुअली जो चैनल है सर, जो मैं चैनल है यूट्यूब पे, सब जानते हैं मैं सिर्फ बाइक से दिखाता हूँ, बाइक राइडर हूँ मैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं कुछ और राइडिंग की चीज़ दिखा रहा हूँ, तो मेरे को एक्चुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है चीज़ें। सर नॉमिनल अगर प्राइस करें, जो आपके पीछे स्टैलियन दिख रहा है ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरा में, तो क्या प्राइस होगा सर इसका? इसका नियर अबाउट 25 लाख का तो है ये। अच्छा 25 लाख का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्योर है। घोड़ों की कीमत ऐसा है कि अच्छी नस्ल के घोड़े हैं ये है, जो इसकी ब्लड लाइन अच्छी है, अच्छी ये पीछे से फैमिली से अच्छी से बिलोंग करता है। अच्छा, तो इसीलिए इसका प्राइस है। नहीं तो घोड़ों की कीमत तो ऐसा है, छोटे बच्चों की 10,000 से स्टार्ट हो जाती है। और हमारे लोगों ने घोड़ों पर इतना ज़्यादा काम किया है कि अभी जो उनकी कीमतें हैं कि वो करोड़ों को छू रही है। जबरदस्त, में भी नहीं करोड़ों में चले गए हैं घोड़े। तो ऐसा करेंगे हम थोड़ी सी सर से बातें कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक एक करके मैं सारे यहाँ पे रिव्यू क्या बोल रहा हूँ मैं, घोड़े दिखा दूंगा एक बार। ठीक है, एंड उनके प्राइजेस भी उनसे पूछ लूँगा जो ओनर्स होंगे। सर ये घोड़े कहाँ से लेकर आते हैं आप? एक्चुअली घोड़े तो ऑल इंडिया में ही बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है सर। तो लेकिन जो इनकी ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने पंजाब ही वो कर रहा है जो ब्रीडिंग के लिए है। मारवाड़ी के लिए जो घोड़े हैं ये नुकरा ब्लड लाइन है, ये पंजाब की ब्लड लाइन है, इसकी ब्रीडिंग सबसे ज़्यादा पंजाब में ही होती है। ठीक है सर। और ये कौन सी ब्लड लाइन का घोड़ा? ये नुकरा ब्लड लाइन का ही है, ये एक फेमस घोड़ा हुआ है मिंटू रोडे वाला, उसका सर? हाँ जी, उसका बच्चा है ये, फर्स्ट वाला है, इसका नाम है वीर। ओके सर। तो ये हाइट कितनी होगी सर इसकी? इसकी ये 64+ है। 64+। हाँ जी सर। तो और इसकी एज है जो 6-6.5 साल है। 6.5 साल है बस। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है सर। जेकर किसी को भी किसी टाइम कोई घोड़ों के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई डिस्कशन करना है, तो आप मेरा फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी कॉल करें तो जितना मेरे से होगा मैं आपकी सभी को जो बात करूंगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9878625701। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, नाइस टू मीट यू। एक बार हॉर्सेस दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टैलिन को, इसकी प्राइस जो है भाई ने हमें बताया 25 लाख रुपए है। इसी तरह हम और भी जो हॉर्स ब्रीडर्स हैं उन सबसे बात करेंगे एंड बेनिफिट्स बताएंगे। जो मेन बेनिफिट्स मुझे बता रहे हैं लोग वो है कि हॉर्स ब्रीडिंग कर सकते हैं आप हॉर्सेस से जो मेल है, और कॉम्पिटिशन्स वगैरह वगैरह होते हैं, अगर घोड़ियाँ आप लेना चाहते हैं तो घोड़ियाँ ले जा सकते हैं। जैसे कोई फंक्शंस हो गए, मैरिजेस हो गए, वहाँ पे काम आ जाती है, वो बच्चे पैदा करेगी तो बच्चे आगे आप बेच सकते हैं, या फिर मेलों में डांस भी होता है, कॉम्पिटिशन्स अलग अलग होते हैं घोड़ियों में भी। तो बाकी ओनर्स जो है उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है एंड सब कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है, मैं इसका वीडियो बनाना, मैंने सोचा कि इसका वीडियो ज़रूर बनाऊं। इसकी आइज़ जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ब्लू कलर की इसकी आइज़ है, ब्लू भी क्या बताऊं, लाइट ब्लू शेड की है आइज़। आपको अगर एज की बात करूं तो 10 मंथ्स का ये है अभी, एंड 10 मंथ्स के साथ साथ इसका जो प्राइस है आस्किंग प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ 2 लाख रुपये ये मांग रहे हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा शानदार है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको।
ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं इसकी आईज, देख सकते हैं आप, क्लोजअप करना एक बार थोड़ा, एंड बिल्कुल वाइट है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, हाइट भी अच्छी है 10 मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो। देख सकते हैं आप कितनी ब्यूटीफुल आंखें इसकी, तो सत श्रीकाल भाजी। भाजी घोड़ी दी की एज होनी है अपनी? ये घोड़ी दी जी अपना कम से कम 4.5 लाख की है। 4.5 लाख की है, और उम्र क्या होगी घोड़ी की? उम्र इसकी हाले हुई है 3 साल की। 3 साल की है इसकी। सर मतलब खासियत? खासियत इसको बोलते हैं अबलक। अबलक नाम है? हाँ अबलक। अच्छा हाँ, ये मारवाड़ी है आपकी? मारवाड़ी है। हाँ, रेंज की है। हाँ, अच्छा, और हाइट कितनी होगी भाई? हाइट जी होगी कम से कम 60 इंच। 60 इंच। डांस बहुत अच्छा करती है। अच्छा डांस अच्छा करती है? दोनों को, तीनों घोड़ी डांस करती है। तीनों डांस करती है, मतलब जो मेले में वो जो मंजे पे? हाँ मंजे पे, खाट पे, पूरा काम करती है। जबरदस्त है, तो एक बार घोड़े भी दिखा दो, घोड़ियां दिखा दो भाई जी। थैंक यू जी। पाजी जो मतलब अपनी जो डांस करती हैं उनका प्राइस ज्यादा होता है? उनका ज्यादा होता है। इनको सिखाया जाता है? आप सिखाते? हाँ खुद सिखाते हैं। खुद सिखाते हैं? हाँ। ब्रीडिंग खुद करते हैं। और जैसे ये है, ये डांस करती है? हाँ जी करती है। और इसकी एज क्या होगी? इसकी एज होगी कम से कम भी अपना 63 इंच। 63 हाइट। हाइट और उम्र? उम्र इसकी 2.5 साल। 2.5 साल होगी। और कितने प्राइस इसका? प्राइस ये कम से कम होगी 12 लाख की। 12 लाख की, ठीक है जी। और इसकी उम्र? ये छोटा लग रहा है, डॉट वाले घोड़े की बच्ची है। डॉट वाले घोड़े की बच्ची है, मतलब बड़े होके इसका कलर चेंज हो जाएगा? हाँ, ये अभी बच्चा हुआ 7 महीने का। 7 महीने का। इसको अगर कोई ले जाना चाहे यहाँ से तो ले जा सकता है? हाँ ले जा सकता है। ये क्या होगी इसकी रेट? इसका रेट होगा कम से कम 90,000। 90,000 रुपये? अच्छा दिखा दो एक बार क्लोजअप से। पाजी उम्र क्या बताई थी हमने घोड़े की इसकी? इसकी 2.5 साल का। आप देख सकते हैं 2.5 साल और मेरी हाइट, आप सब जानते हैं। हाँ। 6 फुट का हूँ मैं। और देख सकते हैं कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। काफी जबरदस्त लग रहा है। हाँ। ठीक है, इसका क्या प्राइस होगा सर? इसका ये 20 लाख का। 20 लाख रुपए? हाँ। और इसकी हाइट अभी और बढ़ेगी? और बढ़ेगी इसकी हाइट, बढ़ेगी और। कितनी तक जा सकती है अभी? कितनी होगी इसकी हाइट अभी भी काफी? इसका अभी हो गया कम से कम 65 इंच। 65 इंच। और क्या है एक्सपेक्टेड हाइट क्या होगी इसकी अभी और जो जाएगी आगे? ये जाएगा कम से कम 2 इंच ही और बढ़ेगा। ठीक है। हाँ। तो ये अभी बच्चा इसलिए ऐसे कर रहा है? बच्चे के कारण। हाँ, बच्चे के कारण ऐसे कर। काफी ये रेसिंग वाले घोड़े होते हैं? नहीं नहीं रेसिंग वाले नहीं, ऐसे नुकरे घोड़े हैं। नुकरे घोड़े? हाँ नुकरे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अम्भोर वाले घोड़े की अंश है? अम्भोर वाले घोड़े के? हाँ। तभी इसकी हाइट और काफी जबरदस्त लग रहा है। सबसे पुराने घोड़े जो है ना, अच्छे नस्ल के घोड़े अम्भोर वाले हैं, उनकी अंश है। जैसे कि आप देख सकते हैं घोड़े को काफी ज्यादा मस्कुलर भी लग रहा है ये, पर आप देख सकते हैं पास से बहुत ज्यादा मस्कुलर लग रहा है घोड़ा और एग्रेसिव भी है। तो पाजी अब दिखाएंगे हमारे को कुछ घोड़ियां यहाँ पे पड़ी है। पाजी की, पाजी आपका नाम क्या? सुखचैन सिंह। सुखचैन सिंह जी है। हाँ जी सर। जिला तरनतारन। जी सर अपना नंबर बता देंगे एक बार? हाँ जी बता दो। 9464116380। नंबर आप नोट कर लीजिए इनका, अगर आपको कोई डील करनी है तो आप डायरेक्टली इनको फोन कर सकते हैं और ये आपको गाइड कर लेंगे। पाजी जो घोड़ियां हैं पीछे, जो घोड़ी है यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं, जूम करके देख लो अभी। हाँ, ये क्या है जो की इनकी? कैसे जी? उम्र क्या होगी इनकी? उम्र की इसकी है 3.5 साल। 3.5 साल। और अगर किसी को खरीदनी होगी तो क्या प्राइस होगा ये इसका? इसका 3.5 लाख रुपया। मगर 3.5 लाख रुपये। खासियत क्या है घोड़ी की? खासियत है एक तो जेड ब्लैक है, मत्थे में फुल है, क्वालिटी है। अच्छा कद बॉडी बढ़िया है, बच्चा बढ़िया दे रही है। जो बच्चा है वो उसके साथ अलग से? नहीं साथ ही, अभी तो साथ ही होगा। अगर अगर कोई इसको अभी लेता है 3.5 लाख रुपये में तो उसको बच्चा भी दे देंगे? बच्चा भी दे देंगे। अच्छा अच्छा, बच्चा भी साथ ही देंगे। बच्चा अलग से नहीं बेचेंगे? पर बच्चा अभी 3 महीने के पहले अलग नहीं बेचेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। कोई 3 महीने से पहले जो छोटा बच्चा है वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, तो उसे नहीं बेचना चाहिए। अगर कोई आपको बेच भी रहा है ऐसे तो उसको मत खरीदिएगा। जैसे क्यों 3 महीने से पहले दूध? वो तो ऐसे ही एक पाप ही है, बच्चा है जैसे अपना है, वो तो ऐसे ही लगता है ना, इसलिए बच्चा नहीं बेचेंगे। देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपको भी कोई बेच रहा है तो ये आपकी भी गलती है। अगर आप किसी 3 महीने के छोटे बच्चे को सस्ता सोच के कि कोई सस्ता बेच रहा है तो एक तरह से वो पाप होगा, तो उसको मत लीजिएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है ये भी, इसके क्या प्राइस होगा?
इसका 2 लाख रुपया मांग रहे हैं अभी। 2 लाख रुपए मांग रहे हैं घोड़ी का। ये डांस करती है? नहीं डांस नहीं करती, अभी काले कांटे की गब्बन हुई है। अच्छा 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 अच्छा। खासियत? 2.5 साल की अभी बिछेरी है। 2.5 साल की है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कलर देख सकते हैं घोड़ी का, एकदम जेट ब्लैक है, काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। जी हाँ जी, काफी कद बॉडी काफी है, काठ प्लस है काफी। और हाइट भी मतलब घोड़ी के हिसाब से काफी लग रही है। काफी लग रही है उम्र के हिसाब से। उम्र के हिसाब से भी, और मतलब अभी एक्सपेक्टेड हाइट है इसकी कि और बढ़ेगी? बढ़ेगी अभी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो पाजी ये सबसे जबरदस्त अभी जो घोड़ा हमारे को लग रहा है, काफी अच्छी हाइट का लग रहा है एंड काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है, तो इसकी क्या उम्र होगी पाजी? इसकी 5 साल 2-3 महीने ऊपर है। 5 साल 2-3 महीने। और हाइट कितनी है इसकी? हाइट इसकी 66 इंच। 66 इंच। हाँ जी हाँ जी। अच्छा क्या खासियत है पाजी इस घोड़े की? इसकी एक तो कद बहुत है, अच्छा बाकी मजबूती बहुत है, एक लंबाई भी सबसे ज्यादा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि लंबाई मजबूती है, वो मेरे को तो दिख रही है एकदम क्लोजअप से, मैं आपको दिखाऊंगा। इसका क्या आस्किंग प्राइस, प्राइस कितना होगा? प्राइस तो अभी बिक्री का नाम नहीं, इसका घोड़ी क्रॉसिंग के लिए रखा हुआ है बस। अच्छा मतलब पाजी इसको बेचेंगे नहीं, ब्रीडिंग के लिए रखी है ये। पर फिर भी अगर मान लो अगर आपने सोचा कि चलो और बेचने का सोचोगे तो क्या रेंज? हाँ थोड़ी बहुत पता चल जाएगी। नहीं जब पता क्या करना है, जब बिक्री नहीं करना उसका नाम क्या लेना। बहुत ज्यादा जबरदस्त बात है, इन्होंने बेचनी नहीं है क्योंकि ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, लोग आते हैं। मतलब ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग का प्राइस बता दो, अगर कोई अपनी घोड़ी लेकर आता है तो क्या ब्रीडिंग का प्राइस लेंगे? ब्रीडिंग का 8,000 रुपया लेते हैं अभी। अभी 8,000 रुपये घोड़ी क्रॉसिंग का। घोड़ी क्रॉसिंग। हाँ जी चलो थैंक यू वेरी मच। चलो और अच्छी लगा सुन के। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग घोड़ों को अपना प्रोफेशन बना चुके हैं। इधर आप देख सकते हैं ब्रीडिंग में ही 8,000-10,000 ले रहे हैं लोग, एंड काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है। सेल परचेज का भी काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है। आप भी सोच रहे हैं घोड़ा रखने के लिए, तो आप भी ले सकते हैं घोड़ा और इसको एज अ प्रोफेशन बना सकते हैं। मैंने डॉग ब्रीडिंग का तो बहुत बार सुना था कि हाँ डॉग ब्रीडिंग होती है, डॉग्स को लोग अपना प्रोफेशन बना चुके हैं पंजाब में, बट हॉर्सेस के बारे में मैंने इतना नहीं सुना था। एंड यहाँ पे मैं आया तो मुझे बहुत सारी चीजें मिली देखने के लिए, प्लस यहाँ से 70 किलोमीटर दूर इन्होंने कहा है एक जगह है जहाँ पे एक ऐसा घोड़ा है जो कि ऐसी ब्लड लाइन से है और बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स भी जीत चुका है दोस्तों। उसका प्राइस इन्होंने मुझे कहा है 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़ रुपए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड अगर वो 10 करोड़ वाले घोड़े का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उस गांव में जाऊंगा एंड पर्सनली जाके वहां पे वीडियो भी बनाऊंगा एंड उस घोड़े के ओनर से भी बात करूंगा जाके दोस्तों। तो इसी तरह मेरे को जिस तरह आपने पुराने वीडियोस में प्यार दिया है, ये कुछ मैंने हटके डाला है जो कि पहले मैंने नहीं डाला। हमेशा मैं बाइक्स की वीडियो दिखाता हूं, तो इस बार मैंने पहली बार कुछ हटके डाला है, तो आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।